वध्यायालम नमोदोय सवसागुरम शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमुक्तं मंगलं वंदे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणि मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं शोभित निजन भूति उच्चिदानंद भगवान सार पदारथ आत्मा सकल पदारथ ज्ञान निस्वरूप को परम रस बन जामे भरो अपार बंदो परमानंदमय समय सार अधिकार। अधिक भोजन करना जैसी स्वास्थ्य को कमजोर करता है, अधिक भोजन करना स्वास्थ्य को कमजोर करता है, उसी प्रकार अधिक पढ़ना सुनना भी हमारे उपयोग को कमजोर करता है, ये समझना। सुनते ही मत रहो, सुनने को सार्थक कहो। आज ये बात क्यों कही, क्या कही, इसमें हमारी लाय हमारे हमसे क्या कही, ये जो स्वाध्याय है वह इलाज के समान है। स्वाध्याय है वह इलाज के समान है, जैसे इलाज होता है वैसे ही स्वाध्याय होना चाहिए। और अगर इलाज की तरह स्वाध्याय नहीं करेंगे तो भव रोग का भाव या मोह का भाव, इन कषायों का भाव, इच्छाओं का भाव नहीं हो पाए। इलाज करने की प्रक्रिया क्या है बताओ, बता सके तो इलाज की, हम बाहर के इलाज की बात कर रहे हैं, बोलो। हमें नहीं पता जी, कोई बात थोड़ी हम कहने लगेंगे सोई दोहराने लगा। अरे शांति से रखो, इतनी सरल नहीं है, यही तो कह रहे हैं, इतनी सरल नहीं है। हंसी मजाक है नहीं है ये। रोग को रोग समझे, पीड़ा का कारण रोग को समझे। मेरी जो पीड़ा का कारण है ये रोग है, स्वयं की समझ में नहीं आया क्या रोग है तो वैद्य के पास बहुत विनय से जिज्ञासा से जावे, एकाग्र होकर के वैद्य की बात को सुने। अब तो ये सीडियां और तुम्हारी रिकॉर्डिंग विकॉर्डिंग तमाम चलने लगी सब, नहीं हम पहले कह देते थे, ये बताओ वैद्य के पास कौन सा रिकॉर्ड लेकर के बैठता है कोई रोगी, वो कैसे एक बार में समझ आता है, गरज है वो। बस कान में लगाए लगाए सुनता रहो जिंदगी भर, कछु नहीं होने, कुछ नहीं होगा। किताबें घरें घरें पढ़ती रहो, कुछ नहीं होगा। फिर हम कह रहे हैं बात, हम एक शब्द जोड़ते हैं सार्थक, जीवन पूरा नहीं सार्थक करो, स्वाध्याय पूरा नहीं ग्रंथ पूरे नहीं करो सार्थक करो। स्वाध्याय अकेला जो नहीं करते वे करो, लेकिन जो स्वाध्याय करते हैं स्वाध्याय को सार्थक करो। कैसे प्यारे प्यारे वाक्य लिखे हैं, लेकिन तुम्हें उसकी कदर हो तब तो। स्वच्छंदता से जीवनंद काल में मार्ग नहीं पा सकता, स्वयं का विवेक को यही लिखा ये बात। गुरु का अनुशासन हो, अनुशासन हो लेकिन माने अनुशासन, तब तो हो, बस हो। वैद्य के पास जाकर के बड़ी विनय से बड़ी उसकी जिज्ञासा से निवेदन करता अपने रोग को, फिर वे जो कहते हैं बड़ी एकाग्रता से सुनता है, और फिर जो औषधि पथ्य आदि बताते हैं उनको ग्रहण करता है। बोलो श्रोता के सारे लक्षणों में यही बातें लिखी कि नहीं लिखी, नहीं समझ में आ रहा तो पूछता है।
फिर इलाज करने के बाद भी त्यागने योग का त्याग करेगा, ग्रहण करने योग का ग्रहण करेगा, ये सब सूता के लक्षण में आ गए। उसके बाद क्या होगा? फिर पंडित भागचंद जी ने फिर लिखा है, फिर पुनः जाकर के निवेदन करता है, आज हमने दवाई ली थी, इतना लाभ हुआ, ये तकलीफ हुई, नहीं कोई मतलब नहीं, आए बैठे सीधे बैठे मिले, कल की बात आ जाना। ये कोई तरीके थोड़ेंगे, धोखा मत दो अपने को, समाज को, घर वालों को धोखा मत दो। हम धर्म लाभ ले रहे, धर्म कर रहे, कहीं धोखा मत दो। और धोखा दे भी नहीं सकते, स्वयं को ही धोखा देंगे। और जब धर्म की पूजा हम क्यों समझे, ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता नहीं को। जब तक रोग पूर्ण ठीक ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया अपनाता रहे, वैद्य के पास जाता रहे, अपनी रिपोर्ट देता रहे, उनकी सुनता रहे, पूरी प्रक्रिया। हमने एक बात कही, रोग को रोग समझे, इसका अर्थ समझ, जरा सा लाभ हुआ बस ये पड़ी दवाई, अब हमें अब क्या करना है, ठीक है अब तो ठीक है, अब कोई बात ही नहीं। ऐसे लोग जिंदगी भर बीमार रहते हैं और जिंदगी भर हैरान होते हैं, और जहां रहते हैं उनको हैरान करते हैं। घर में रहे तो घर वाले हैरान, समाज में हो तो समाज वाले हैरान, कहीं आश्रम में हो तो आश्रम वाले हैरान होंगे, क्या बीमार हो गए आप तो देखो चार जने तुम तो। और फिर क्या मान है नहीं, हम जे नहीं लेते, हम बे नहीं लेते, हम जे नहीं करते, हम बे नहीं करते, और तुम बता दे। इतनी गलत शैली है, इतनी गलत शैली है, इस शैली से अनंत काल में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। एक जन्म तो बहुत थोड़ा है, हम कह देते जिंदगी भर में नहीं सीख पाओगे कुछ। इलाज करने का तरीका है ये, कब तक? जब तक पूर्ण निरोग न हो जाए। आपको मालूम है इलाज के कोर्स होते हैं, ये 5 दिन का कोर्स है, ये 1 महीने का कोर्स है, ये 6 महीने का कोर्स है, बराबर ठीक तो हो जाओगे 5 दिन में, लेकिन 15 दिन करना पड़ेगा उसको, और नहीं तो लौट के फिर हो जाओगे वहीं। यहां कोई कोर्स नहीं है, यहां कुछ नहीं है, बस अब बढ़िया हो गया, बस अब सब बढ़िया हो गए, सब सुधर गए, सबने सबको बहुत विनय हो गई, सब अनुशासन हो गया, सब प्रेम हो गया, सब आज्ञा पाल रहे, सब हो गया, सब हो गया, अब बस खत्म मामला। 2 पोती, 2 छोरी, 2 चारी, जे करी, बस हो गया काम, बस अब तुम बता दो, अब तुम बता दो, जी कौन ने बताएंगे? स्वच्छंदता से मत चलो, अभिमानी पुत्रादित और अभिमानी शिष्यादित माता पिता और गुरुजनों को निरंतर संताप देते हैं, ये लिखा है शास्त्र में, नहीं लिखा हो तो देख लेना, पढ़ लेना, लिखा है। फिर अब आप क्या दे रहे हो? कुछ नहीं, ये लगता है कि क्या होगा, क्या करोगे? देखो एक बात कह दी भाई, नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जिस शिक्षा के बिना सारी शिक्षाएं व्यर्थ हैं, भ्रष्टाचार उत्पन्न करती हैं। और नैतिक शिक्षा के अंतर्गत ये सारी बातें आती हैं, अनुशासन का पालन, विनय, क्षमा, परोपकार, दान, सेवा, ये सब नैतिक शिक्षा के विषय हैं। स्वावलंबन, श्रम, सत्संगति, ये नैतिक शिक्षा के पाठ हैं। और इन पाठों के बिना जहां जाएगा आदमी, कलेक्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, अधिकारी बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, अगर नैतिक शिक्षा नहीं है बर्बाद करेगा वो। पंडित जी बन गए, विधानाचार्य बन गए, प्रतिष्ठाचार्य बन गए, लेकिन नैतिक शिक्षा अगर नहीं है समझ लो कुछ नहीं कर पा। ये जो क्रम बताए थे अनियोगों के, इसलिए बताए थे कि हम इनको आदर्श बना लेते हैं, इनको आदर्श बना लेते हैं, इनके अनुसार से चलने, ये ऐसा करे अपन भी ऐसा करो,
एक बिगड़े को देख करके दूसरे 10 बिगड़ जाएंगे। नहीं, ये भी तो ऐसा कहते, इनसे कुछ नहीं कहते। बिल्कुल ठीक है। कौन कहता है कि नहीं कहते? तुम्हारे सामने ही कहें, तुम्हारे सामने ही कहें क्या? तो तुम हंसो और अपने अभिमान को पुष्ट करो। कैसे मालूम नहीं कहती? इनसे कुछ नहीं कहती। अरे तुम्हें मालूम है नहीं कहती? तुमसे जितना नहीं कहती इतना इनसे कहती है। होश नहीं है तुमको? हमारा मतलब ये है, अपन पढ़ाई करते हैं, स्वाध्याय को सार्थक करो। पूजा करते हैं, पूजा को सार्थक करो। लौकिक कार्यों में भी सफलता पुण्य के बिना नहीं मिलती। कल क्या कहा था? बैरंग कारण से भी कार्य नहीं होता। बैरंग कारण ये सब मिल गए हैं, अब सब प्रकार से अवसर आया है। आपकी बुद्धि भी खूब अच्छी है, खूब बुद्धि चलती है। ऐसा नहीं झूठ बोलते जो कहते बुद्धि नहीं चलती हमारी, लेकिन बस ये बात है मिथ्या दर्शन के कारण बचें कैसे, अपना मतलब कैसे साधें। जो कल्पना कर रखी है उसमें बुद्धि चलती है और कुछ नहीं चलता। ये मोह अनर्थ कराता है। मोह चाहे शरीर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे धन का हो, चाहे पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे भोगों का हो, मोह अनर्थ कराता है। मोह एक नशा है और नशे में कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा वाक्य बोलो, मोह अंधेरा है, अंधेरे में कुछ नहीं हो सकता। यहां अंधेरा पड़ा हो और कल की तैयारी करनी हो, क्या करोगे? सभा करनी है तो क्या करोगे? नाटक करना हो तो क्या करोगे? बोलो, कुछ भी नहीं हो सकता अंधेरे में। अंधेरे में तो केवल लूट मार उपद्रव होते हैं। अंधेरे में क्या होते हैं? लूट मार। ऐसे मोह के अंधेरे में ये कर्म चोर चोर सर्वस्व लूटे, लूट होती है। लूटे लूटो लूटो अंधेरे में। इतने टकराए गए, इतने फैल गए, इतने ये हो गया, अंधेरे में ये होते हैं। ऐसे ही मोह के अंधेरे में क्या होता है सोच लेना। जो जीवन में हो रहा है वो मोह के अंधेरे का प्रताप है। हमें मोह होगा तो हम भी यही करेंगे, तुम्हें मोह है तुम भी ये करोगे, इन्हें मोह है इन्हें। जिनको मोह होगा, हम कहते देखो ना, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तद्भव मोक्षगामी, और उनको भी चारित्र मोह की तीव्रता हो गई तो ऐसे मुर्दा को ला दें, ऐसे ला दें मुर्दा, तुम तो रोओगे खाली। ऐसे ला दें तो नहीं फिरोगे, इतने में कोई नहीं फिरेगा। लेकिन वो ऐसे ला दें और सुनने को तैयार नहीं है कुछ। मोह एक नशा है, मोह एक अंधेरा है। समझ लेना। और अंधेरा सामान्य शब्द है, महातम मोह महातम, मोह महामद, ये महाशब्द लिखे। मान महाविष, महा महाशब्द और लिख दिए, बड़े हैं ये। सोते में भी चालू है, जगते में भी चालू है, पूजा करते में भी चालू है, स्वाध्याय करते में भी चालू है, दान देते समय भी चालू है, भीतर पूरे के पूरे चालू है। थे केवल बाह्य कारणों से कार्य नहीं होता। हम पढ़ाई पढ़ाई करते रहे, सफलता नहीं मिलेगी बिना पढ़ने के। हमने देखा है खूब पढ़ाई करी, अच्छी मेरिट में नाम आए और पीछे से कुछ बात पत्र के परमाणु बंद से खत्म, पागल हो गया बेचारा, कुछ पता नहीं।
जो बड़े जनों को पागल समझते हैं, ये तो पागल हैं, जो ही कहते रहते कहन देव ने, जो कह रहे कहन देव ने, इना ये बकरा है बकन देव ने, अपन अपना अपना काम करो, वे पागल होते हैं, वे ही पागल होते हैं, ये समझ लेना चाहिए। सही बात है, बच्चे ये समझते ये पापा तो जो ही है, बाबा तो जो ही है, दादी तो जो ही है, कौन जमाने की बात कर रहे हैं। जो दूसरों को, गुरुजनों को विशेष रूप से, दूसरों को पागल समझते हैं, वे स्वयं पागल होते हैं, ये सामान्य कथन है। लेकिन जो गुरुजनों को पागल समझते हैं, उनको तो भाई फिर पागलपन होना ही है, आज नहीं तो कल। ये पागलपन जो रोग है ना, नौकर्म का परिणमन, नौकर्म बिना कर्म के, उदय के बिना नहीं होगा, और बिना कर्म, कर्म दिव्य कर्म का बंध बिना भाव कर्म के नहीं होगा। मोह एक पागलपन है, मोह एक निद्रा है, आगम की जगह जगह की शब्द है ये। पंडित दीपचंद जी ने लिखा, सम्यक होना माने ऐसे हुआ जैसे पागल से सयाना हो गया। पंडित भुजन जी ने लिखा, नींद से जग गया, नींद से जग गया, ये समझो। समाधि मरण में भी आया जैसे सोता हुआ सिंह, और सामने से फौज आई हाथियों की, और वो एकदम उसने सुनी, एकदम जाग करके सावधान हो गया, ऐसी दहाड़ मारी कि वाह, हाथियों का पांव आगे बढ़ना बंद हो गया, कपने लगे। उसमें तो शब्द लिखा है तुम्हारी किस्में, ज्ञानानंद साहब का चार में क्या लिखा, निहार टट्टी पे साहब छूट पड़ी। पराक्रम का एकदम ऐसा पराक्रम छा गया सिंह के पराक्रम का, वो कुछ नहीं कर पाया। मोह एक नींद है, मोह एक नशा है, मोह अंधेरा है, और मोह पागलपन है। बता कौन सी चीज अच्छी है, पागलपन अच्छा हो, अंधेरा अच्छा हो, नींद अच्छी हो, बोलो। क्रोध महाअग्नि है, आज बहुत गर्मी है, अपनी गुस्सा से ज्यादा गर्मी नहीं है, कसायों की गर्मी से ज्यादा गर्मी नहीं है। जिन्हें कसायों की गर्मी नहीं है उनको गर्मी नहीं लगती, सच्ची बात है। कसायों की गर्मी से ज्यादा गर्मी नहीं है, मन महाविष है, महागर्त है, गहरा गड्ढा। ये आत्मानुशासन में लिखा ना, महागर्त, और लोभ महादलदल है। उस दलदल में से निकल नहीं पाओगे, चाहे गियों का लोभ हो, चाहे पुण्य का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे आरोग्य का लोभ हो, चाहे जीवन का लोभ हो, चाहे विषयों का लोभ हो, लोभ एक दलदल है। वो दलदल में फंसे फंसे मरेंगे और कुछ नहीं है। क्यों, अगर दलदल में फंस जाए तो क्या उपाय है, समाधि ही उपाय है, वेद ज्ञान ही उपाय है। ध्यान रखना, दलदल में फंसे हुए हाथी के धर्म ही सहायक हुआ, धर्म ही शरण हुआ। पार्श्वनाथ भगवान का जीव दलदल में फंस गया समाधि करके। अरे बाहर के दलदल में फंसा हुआ समाधि कर सकता है, लोभ के दलदल में फंसा हुआ समाधि नहीं कर सकता। जंगल में आग लग गई, वे बैठे समाधि कर गए। गजकुमार अग्नि में समाधि कर गए, पांच पांडव अग्नि में समाधि कर गए, लेकिन क्रोध की अग्नि में समाधि नहीं होगी। बाहर के गड्ढे में कोई कुएं में पकड़ पटक गया, क्या नाम, चार दत्त चरित्र में आया आया, वो कुएं में पड़ा था, उसको अंधकूप में, अंधकूप में पानी नहीं, तो उसमें चार दत्त भी गिर गया,
तब फिर चार दत्त ने उसी नमोकार मंत्र दिया। उस नमोकार मंत्र के बल से तत्व का उपदेश भी दिया। नमोकार मंत्र माने खाली मंत्र ही नहीं है, उनके द्वारा बताया हुआ उपदेश भी दिया। और उपदेश दे करके और उसने निकलने का उपाय बता दिया, गो आती है उसको पकड़ करके निकल जाना, वहां कुएं में समाधि कर ली कि नहीं। लेकिन मायाचारी जीव कभी समाधि नहीं कर सकता। समाधि माने शांत परिणाम नहीं हो सकते मायाचारी जीव के, ये समझना। क्रोधी जीव के परिणाम शांत नहीं हो सकते, मानी जीव के परिणाम शांत नहीं हो सकते। विचारना भाई, बाय सफलता अपने आप मिल जाती है। कोई पुराण का दृष्टांत याद हो, हमने दिया है कई बार। चक्रवर्ती जब दिग्विजय करने निकले, भरत चक्रवर्ती समुद्र के किनारे पहुंचे, उनका मन आ गया उस समुद्र को देख करके, भीतर के समुद्र को लहराता हुआ आनंद आ गया, हम आत्म ध्यान करेंगे। तो मंत्री और सेनापति ने क्या कहा, महाराज पहले दिग्विजय के लिए आए, सो दिग्विजय करो, आत्मज्ञान बाद में करेंगे। बोले सुनो, दिग्विजय करना ये तो उपाधि है, हमारी रुचि का कार्य नहीं है। कल कहते हैं राग होता है, राग आ जाता है, लेकिन रुचि नहीं होती राग की। और रुचि न होने के कारण राग भी आता है, परंतु अयोग्य राग नहीं आता। ऐसा राग नहीं आता कि जिसमें हे उपाधि का ज्ञान न रहे, गुरुजनों तक को न गिने, आत्मघात करके मर जाए, ऐसा राग नहीं आएगा। भक्ष भक्ष कोई विवेक नहीं, देव देव का कोई विवेक नहीं, न्याय न्याय का विवेक नहीं, ऐसा राग नहीं होता ज्ञानी को। राग आ सकता है, लेकिन ऐसा राग नहीं आ सकता। लौकिक में गुस्सा कहावत है, बनिए को गुस्सा आएगी तो क्या करे, गड़ी ही ढुका रहे। क्या मतलब है, ऐसी गुस्सा नहीं आएगी, उठा के पटक दिया, मर गया वो सामने। अरे ईंट गड़ी ईंट उखड़ेगी तो है नहीं, तो ना गुस्सा शांत हो गई, काम खत्म हो गया। प्रसिद्ध दृष्टांतों के अनुसार श्रीपाल ने चाचा वीर दमन के साथ युद्ध करते हुए उनको उठाया, लेकिन ऐसे नहीं पटका, ऐसे खड़ा कर दिया। और आज पुराण के दृष्टांत के अनुसार भरत चक्रवर्ती को बाहुबली ने ऐसे पटक नहीं दिया, ऐसे खड़ा। लोक में कहते भैया मारे छां डारे, मैंने उस समय भी उसके भीतर में करुणा का प्रभाव बह रहा है, वात्सल्य बह रहा है उसके समय भीतर में। जब वहां ये हो सकता है तो लौकिक कार्य करते हुए भी ज्ञानी को भेद ज्ञान की धारा कैसे नहीं बहेगी, बोलो कैसे नहीं बहेगी। ज्ञानी को अभिमान आ सकता है, लेकिन ऐसा अभिमान नहीं आएगा कि देव सास गुरु का अभिमान का मान न रखे, उनसे भी बड़ा हो जाए, उनको मान कसाय मान कसाय के बसीभूत होकर के मर जाए, आत्मघात कर ले, ऐसा मान नहीं होता। ये अनंतानवंदी और अप्रत्याख्यान कसायों के अंतर है। थोड़ा सा लाभ मिलने पर उस रोग को रोग न गिने तो कभी ठीक नहीं होगा। ऐसे ही थोड़ी सी कथा की ममता हुई और इसने मान लिया अब तो हम धर्मात्मा हो गए, अब धर्म होगा, अब क्या करने, थोड़ा सा ज्ञान हुआ छोक्षम का और बस अब हम ज्ञानी हो गए, अब समझ लो कभी नहीं हो पाओगे, बस खत्म, स्रोत रुक गया, मार्ग अवरुद्ध होता है कथाओं से। इनके जीवन में अभिमान आ जाता है, उनकी उन्नति रुक जाती है। जिनके जीवन में अभिमान आ गया बस उनकी उन्नति रुक गई, बस खत्म, उल्टा ग्राफ चालू। इसलिए महाविश्व लिखा है। कभी मत सोचो उल्टा, मत सोचो उल्टा, मत सोचो। पुण्य के उदय में
बाह्य संपदाएं अपने आप मिलती हैं उसका दृष्टांत दे रहे थे। भरत चक्रवर्ती ने कहा, सुनो मंत्री, आत्मध्यान करने के बाद तुम जिसकी चिंता करते हो, यहीं से एक तीर छोड़ेंगे और मगधा मर्त्य तो यहीं आ जाएगा। लड़ने नहीं आना पड़ेगा, जीतने नहीं आना पड़ेगा। और वही हुआ, आत्मध्यान के बाद तीर छोड़ा। हम कह रहे पुण्य का उदय हो, गुरुजनों की विनय हो, थोड़ी पढ़ाई कर पाई, कम पढ़ाई कर पाई, परीक्षा का समय आ गया और लगे रहे सेवा में। दृष्टांत है तुम्हारा बर्णी जी का, पहली साल थी शास्त्री का कोर्स लगा हुआ था सियाद बनारस विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में जैन धर्म का कोर्स नया ही लगा था, परीक्षा भरने के लिए पहले ही विद्यार्थी बने थे। और भाई जी की तबीयत खराब हो गई, सो घर चले आए, सो सेवा करते रहे, लौट के पहुंचे परीक्षा का समय, गुरु जी आप परीक्षा का दें, पढ़े तो है नहीं कछू, बेटा पास हो फेल हो मुश्किल से कोर्स लगवा पाओ, परीक्षा तो देनी है तुझे। अच्छा ठीक है, नहाए धोए पूजा करी, सहस्त्रनाम का पाठ किया उनकी भाषा, और अब कुछ पढ़ोता तो नहीं, तो वैसे ही किताब पकड़े, ऐसे खोली ऐसे देख लो, ऐसे खोली ऐसे देख लो, ऐसे खोली ऐसे देख लो, ऐसे खोली ऐसे, एक दस पीस पन्ना देख ले, बुद्धिमान के लिए सारा काफी होता है बदल। और जैसे ही पेपर आया बे प्रश्न आ गए और फर्स्ट डिवीजन पास हो गए, और नहीं तो याद कत कत मर गए, बे एक नहीं आए और आए। भैया बाह्य कार्यों में सफलता पुण्य के उदय से मिलती है। जो धर्म को छोड़कर के सुखी होना चाहता है, गुरुवर स्वामी कहते हैं वो वृक्ष को काट करके फल खाना चाहता है। इसका खुलासा हमने किया था, नए फल तो लगेंगे ही नहीं, जितने पके हैं सो कहो तो सड़ जाए, जब जड़ कट गई तो सड़ ही जाएंगे, और जितने कच्चे हैं वे पकेंगे ही नहीं, क्या खाओगे बोलो। और वृक्ष को सींच करके फल खाओ है, जिंदगी भर खाते रहो। बीज राग फल भोग बे ज्यो किसान जगमा, लेकिन जिस धर्म की बात हम कर रहे हैं, जिस पुण्य की बात कर रहे हैं, वह जीव का परिणाम है, केवल रूढ़ी की क्रियाओं में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, धर्मात्मा जीव को योग क्रियाएं भी होती हैं। मंदिर जाने में धर्म नहीं है अकेले, लेकिन धर्मात्मा जीव मंदिर जाए बिना भी नहीं रहेगा। उस मंत्री ने क्या कहा था, दो दिन पहले मंत्री का दृष्टांत दिया था, क्या कहा था, इस कुटिया में तुम देखते हो चार छह दिन से आ रहे हैं, जब से महामंत्री बने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ इस कुटिया में नहीं आए, यहां आकर के बैठते थे और स्मरण करते थे, हमारा स्थान तो ये है, ये तो एक हमारे पास कर्तव्य का बोझ आ गया, कर रहे हैं तब तक, इसमें विमोहित न हो जाए, उच्छृंखल न हो जाए, अभिमानी न हो जाए, कोई अन्याय न कर बैठे, बैठ करके मैं ऐसा मेरा भवन ऐसा, ये अभिमान ना आ पाए, कुटिया में बैठती थी। तो ऐसे ही यहां समझ लेना चाहिए, कभी अभिमान ना आया जीवन में। पुण्य के उदय में अनचाहे सफलताएं मिलेंगी, अनचाहे सामग्री मिलेगी, अनचाहे भोग संयोग मिलेंगे, जितना नहीं चाहो उससे ज्यादा मिलेगा, और पाप के उदय में जितना चाहो उतना भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो परिणाम है, परंतु परिणाम के साथ योग क्रिया भी होती है, परिणाम के साथ योग क्रिया भी होती है। ऐसा नहीं है कि क्रिया नहीं होती है, मंदिर जाने मात्र से धर्म नहीं होगा, ये बात सच्ची है, लेकिन धर्मात्मा जी मंदिर जाए बिना नहीं रहेगा। जहां से हमने सीखा है
अरे इतने बड़े बूढ़े हो गए, अपन निकलो और वो स्कूल मिल जाए प्राइमरी, तो ऐसे निगाह चली जाती अभी भी, या मैं हम पढ़े थे। बूढ़े मास्टर साहब मिल जाए पुराने, कदाचित इन्हें हमें पढ़ाओ तो पांचवी क्लास, इन्होंने हमें दूसरे में पढ़ाओ तो। हमारे वाइस प्रिंसिपल बता रहे जब सर्विस करते तब की कानपुर पे खड़े चौराहे पर, तो आना होगा उन्हें, तो एक पुलिस वाला आदमी वहां उसकी ड्यूटी थी, आया तुरंत पैर छुए, गुरुजी आप कैसे खड़े? बोले बेटा वहां से लखनऊ से लौटे से वहां जाना एट आता। अच्छा कोई बात नहीं, हा बेटा तुम, हम दसवें की परीक्षा देने आए थे आपके स्कूल में, आपकी ड्यूटी बड़ी थी। रुको आप, बैठाया उसने कुर्सी पे, हैं चाय वाय मंगाए, फलाना मंगा, अरे नहीं एक ट्रक रुका, बोले सुनो हमारे गुरुजी हैं और इनको ले जा और वहां छोड़ना सीधे ठंडी सड़क पे, वहां पे जाकर सीधी वहीं बीच में न हो दखन। पुण्य के उदय में जाने कौन सहायक हो जाता है, पुण्य सहायक होता है और पाप बाधक होता है। दर्शन, पूजा, सील, संयम, खान पान, विवेक, ये सब होता है, कषाय के अनुसार होता है। कषाय तीव्र होती हैं तो रात दिन भक्ष अभक्ष कुछ भी खा सकता है, कषाय जब मन होती हैं तो चाहे कुछ भी नहीं खा पाएगा। अयोग्य भोजन नहीं होगा, अवक्ष वक्षण नहीं होगा, रात्रि भोजन नहीं होगा, कषाय जब मंद होगी थोड़ी, वो कषाय तीव्र हो तो क्या कुछ हो सकता। अवज्ञा नहीं होगी, कषाय मंद होगी तो अवज्ञा नहीं हो सकती, भले उसको पाल नहीं पा। एक भाई बोले पंडित जी पाठशाला लेनी पड़ती है हमको, बोलो अब जी लगता है अपने जीवन में तो आचरण उतना होता नहीं, अब बच्चों को कैसे समझा। हमने कहा भैया जी बताओ, हम यहां बैठे हैं, अब मुनि धर्म की चर्चा है तो मुनि धर्म को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे, प्रतिमा का स्वरूप आए तो प्रतिमा को समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे। हम भले नहीं पाल पा रहे हैं लेकिन आखिर वो प्रसंग आएगा तो समझाना पड़ेगा कि नहीं समझा पा। एक प्राइमरी मिडिल क्लास का अध्यापक इतिहास पढ़ाएगा तो राष्ट्रपति के कर्तव्य समझा, बताओ समझाएगा कि नहीं समझाएगा। राष्ट्रपति के अधिकार होते, ये कर्तव्य होते, नागरिक शास्त्र पढ़ाएगा तो समझाएगा कि नहीं समझाएगा। अरे हम नहीं पाल पा रहे, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन मार्ग तो ये, हम सारे लोगों से बच्चों से भी कहते हैं बेटा कम से कम जिन धर्म का ज्ञान यथार्थ करो, पालन तुम किस परिस्थिति में कितना कर पा रहे वो अलग बात है। अचानक कहीं आप अधिकारी बन गए और समाज ने सोचा कि हमारे जैन अधिकारी हैं, हम बुला लो इनको महावीर जयंती पर, तो कहा बोलोगे? कोई तुमसे पूछे क्यों जैन साहब तुम्हारे जैन धर्म में क्या है तो क्या बताओगे? आपके सियादवाद का क्या स्वरूप है तो क्या बताओगे? उल्टा काम मत करो भाई, जितना इतिहास पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा पुराण पढ़ना जरूरी है, जितना संविधान और कानून की नियमावली पढ़ना जरूरी है, फार्म की नियमावली, जहां भी जो आप काम करते फार्म की नियमावली पढ़ते हो, उससे ज्यादा जरूरी चयनान योग पढ़ना है, ये संविधान है हमारे जीवन का। इतना विज्ञान पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा बहुत वेद विज्ञान पढ़ना जरूरी है, वितराग विज्ञान, और जितना तर्क वितर्क न्यायालय पढ़ना जरूरी है उससे ज्यादा कर्णन योग पढ़ना जरूरी है। रोटी नहीं खाओगे तो शरीर कमजोर होगा, देखने में भले मोटा हो लेकिन होगा कमजोर। बहुत से लोगों की एक आदत होती है अपनी कल्पना से, हम रोटी नहीं खा रहे, हम घी नहीं खा रहे, सो कमजोर जरा
हैं, फैट घटाना, अरे ये कोई तरीके नहीं है, ये तरीके नहीं है, फैट घटाना अच्छी बात है, हैं, चुस्ती लाओ अपने सोच में, अपने सोच में चुस्ती लाओ, अपने कार्यक्रम में चुस्ती लाओ, अरे फैट तो अपने आप घट जाए, फैट में दम नहीं है। लेकिन अपनी कल्पनाओं से हमको मोटा होना है, ये खाओ ये खाओ ये खाओ, कैप्सूलों से मोटे होने वाले कैसे मोटे होते हैं, भूल जाते हैं, ऐसा लगता है 15 दिन में बहुत मोटे हो गए, खूब फायदा हुआ, लेकिन फायदा क्या होता है जो खाने वाले भी जानते हैं। ऐसे ही तुम्हें जल्दी से ये लगने लगा हम ज्ञानी हो गए, हम धर्मात्मा हो गए, तो ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है, उतावलापन भी नहीं होना चाहिए, आलस्य भी नहीं होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं व्रत का, सील का, संयम का पालन आपका अनिवार्य है, इसके बिना सारी पढ़ाई बेकार, सारी पढ़ाइयां आपकी बेकार समझो, कोई काम की नहीं है, आपको केवल नीचे गिराएंगे, परेशान करेंगे। और नहीं तो आप आज सर्वेक्षण का हम एक नमूना बता रहे, पहले बुजुर्गों से का सर्वेक्षण कराओ, कोई पांचवा पढ़ो, कोई दूसरा पढ़ा, कोई आठवा पढ़ो, कोई चौथो पढ़ो, कोई छठवा पढ़ो, और उनको न टेंशन है और न वे आत्मघात कर रहे मर रहे हैं न कुछ कर रहे, और ये जितने ज्यादा आज पढ़े लिखे हो गए उतने ही टेंशन बढ़ गए, उतनी बीमारियां बढ़ गई, उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ गया। अब आप सोचो ये पढ़ाई कैसी पढ़ाई है, पढ़ाई 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 बीमारी है। विचार करना, विचार करना, क्या कह रहे, बाह्य कारणों से भी कार्य नहीं होता, ध्यान रखना बाह्य कारणों की निरर्थकता नहीं है। बंद अधिकार में मूल गाथा है, अध्यवसान से बंद है तो पर वस्तु पर बाह्य त्याग आदि की चर्चा क्यों है, कि वो पर वस्तु अध्यवसान का निमित्त है, इससे ही उसकी सार्थकता सिद्ध हो गई। बाह्य त्याग किए बिना जो अंतरंग का त्याग करना चाहते हैं, वे बादाम का ऊपर का छिलका तोड़े बिना भीतर का लाल छिलका तोड़ना चाहते हैं। क्या कहा, मूंगफली का ऊपर का छिलका तोड़ो नहीं, भीतर का लाल छिलका निकालो, कैसे निकलेगा, चाहे बादाम हो चाहे मूंगफली हो चाहे धान हो, ऊपर का मोटा छिलका निकाले बिना भीतर का छिलका निकालना चाहते हैं कौन, जो बाह्य त्याग के बिना ही परिणाम निर्मल करना चाहते हैं। यहां आ रहे तो परिणाम निर्मल नहीं हो रहे, घर निर्मल हो जाए हो गए, जब इतना पढ़ सुन रहे तब तो निर्मल नहीं हो रहे, बिना पढ़े हो जाए निर्मल, विचार करो सोचो समझो। लेकिन बाह्य त्याग करने मात्र से जो संतुष्ट हो जाते हैं, परिणाम निर्मल करने का उपाय नहीं करते, वे बड़े धोखे में। उनको दिव्य संग्रह टीका में उदाहरण दिया है, बगुले की तरह, बगुले की तरह है, बाह्य का त्याग तो अंतरंग के परिणाम की निर्मलता के लिए था, अब अंतरंग का त्याग नहीं हुआ, परिणाम निर्मल हुए तो क्या मतलब हुआ तुम्हारा। भैया स्वाध्याय को सार्थक करो, कसकस के निकालने पड़े, एक एक को ढूंढ ढूंढ के, आतंकवादी हो और हम आपको फिर कह देते हैं हमारा बाकी नहीं है, लेकिन फिर हम कहते हैं अनेकांतवादी जो नहीं होता वो आतंकवादी होता है,
विधा आतंकवादी है, प्रेशर बना करके अपना मतलब सिद्ध करना चाहते, लूटना चाहते। आतंकवाद से बचना है तो अनेकांतवाद को समझना है, समझाना है, फैलाना है। दूसरे की सत्ता को भी स्वतंत्र मानो, दूसरा का भी अधिकार समझो, दूसरे के सुख दुख को भी सुख दुख समझो, और नहीं तो तुम स्वार्थी और मोही होकर के लूट लूट के इकट्ठे करोगे तो लुटेगे, फिर तुम होगा क्या? अनेकांतवादी बनो, स्याजवादी बनो। वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है, जिन वचन स्याजवादमय है, धर्म अहिंसामय है, स्वरूप है भैया, स्वरूप है। विचारना भाई, विचारना क्या, बाह्य कारणों के भरोसे मत रह जाओ। ये बात कल बोला था, एक बात आज फिर बोल रहे, क्या बाह्य कारणों में ही संतुष्ट मत हो जा, बाह्य त्याग में ही संतुष्ट मत हो जा, बाह्य क्रिया में ही संतुष्ट मत हो जा। का स्वाध्याय हमने कर लो, पूजा कर ली, माला फेर ली, पाठ कर लो, हमने जे छोड़ दिया, हमने जे नियम ले लिया, नियम लो, नियम नियम लेने के लिए बहुत से नियम है, अंतरंग के नियम, मोक्ष मार्ग के कारण रूप नियम। देव सास गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, छिपा करके काम करने की आदत नहीं डालेंगे, तत्व सिद्धांत व नियम में है सम्यक दर्शन। बोलो, नियम सार में, नियम की परिभाषा में यही है, श्रद्धान ज्ञान चारित्र को नियम कहते हैं। प्रयत्न पूर्वक क्रोध नहीं करेंगे, मान नहीं करेंगे, माया नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे। अब इन नियमों की पालन करने के लिए फिर क्रोध ही की, जहां क्रोध बढ़ेगा ऐसे लौकिक जीवों की मूलों की संगति में नहीं रहेंगे। मान नहीं करेंगे तो मान नहीं करना है तो फिर मानियों की संगति में भी मत रहो। लाभात लोग प्रजाते, लोभ में बच पड़ो, परिग्रह का प्रमाण करो, लोभ नहीं करोगे तो कपट नहीं करना है। कोई नियम बना लो, कोई कार्य बिना पूछे नहीं करेंगे, छिपाए करके नहीं करेंगे, छिपाएंगे नहीं, बस खत्म हो गई बात। ये नियम नहीं बनाते हैं, नियम ही नहीं है तो पाते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, सुन करना है नहीं, नियम बनाओ भाई। सावकाचार्य जी में क्या लिखा, गुरु के नाम शिष्य और पुत्रादिक का तो कर्तव्य है, कोई नवीन कार्य करना हो तो माता पिता गुरु आदि को जनाए के करे, बताए के करे। अब आप नहीं करोगे तो आपको उसका फल भोगना पड़ेगा, हम क्या करेंगे बोलो? हम नहीं करेंगे तो हमें भोगना पड़ेगा, तुम नहीं करोगे तो हमें भोगना पड़ेगा, जनाए के करे। किसी भी ऑफिस में वैसे ही चले जाने का कोई नियम नहीं है, वैसे ही आ जाने का कोई नियम नहीं है, छुट्टी में एप्लीकेशन लगा करके जाते हैं और आकर के ज्वाइन करते हैं। आप आए और अपने काम में लग गए, साइन नहीं मारे तो क्या हुआ आपका? अपना चार्ज लेते हैं, देते हैं तो चार्ज दे करके आते हैं, ये नहीं है हम गए कहा है, कौन से कहा कह गए, हमारे काम की हमें कोई मतलब नहीं, हमें कहा हम ये चले, जवान है तो आज भैया हम जा रहे हैं, ये हमारा काम तुम कर लेना, ये जरा ऐसे देख लेना, तब तो बनेगी बात। हमें जाने सो हम चल रहे, हमें जाने सो हम चल रहे, हमें जाने सो हम आ गए, बाद बाकी तुम्हारा काम, समझाना तुम्हारा काम जाना। एक ये मायाचारियां नहीं चलती, मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं चलेंगे, कतई नहीं चल पाएंगे। बोलो पहला चरण लिखा है कि नहीं, लौकिक नीति लिखी है कि नहीं लिखी है? नहीं लिखी हो तो फिर रेंदु कह दो झूठ बोल रहे हो तो, और नहीं है तो आज की बात से पालन करने की कोशिश करो।
जब तकलीफ हो तो तकलीफ वैद्य से कहोगे तो आप जो आप वैद्य निदान नहीं कर पाता, पूरी हिस्ट्री पूछनी पड़ती है। सवेरे से तुम्हारी चर्या क्या है, खान पान क्या है, जी बताओ पहले। बचपन में तुम क्या करती थी, तब वो निदान कर पाएगा। और तुम छिपाओगे और बताओगे नहीं तो निदान नहीं कर पाएगा, और निदान नहीं होगा तो इलाज भी नहीं हो पाएगा। दीक्षा लेने जाए तो अभी यही प्रक्रिया होती है, अपने बचपन की सारे जीवन की पूरा खोल करके रखना पड़ता है, तब दीक्षा मिलती है। आज एक परंपरा हो गई, अपने मंदिर में गोला चढ़ाओ, व्रत ले लो, हमें क्या करना, न काल से कुछ कहने न सुनने, बस पाल दिया। और नहीं तो नहीं ले लो, अपने पाल लाओ, बस खत्म। कब लाओ कहू नहीं, खत्म। ये अनुशासनहीनता का कारण बन रहा है। मन में आई जो चाहे, जब चाहे जो दवाई खाओगे, चाहे जो खाओगे, तो आप रोग बिगाड़ोगे, बनाओगे, ठीक नहीं कर पाओगे। धर्म की प्रभावना नहीं कर पाओगे, आराधना नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, समझ लोगे कि खूब भीड़ इकट्ठी हुई, उन्हें खूब प्रभावना भाई, खूब पैसा इकट्ठा होगा, उन्हें खूब प्रभावना भाई, खूब जो बिल्डिंगें बन गई, मंदिर बन गए, संस्थाएं बन गई, खूब प्रभावना भाई। अरे नहीं, प्रभावना कितने जीव प्रभावित हुए हैं इस मार्ग में, मार्ग में कितने जीव लगे हैं, हम कितने बड़े हैं और जीव कितने लगे हैं। प्रभावना माने क्या है, आत्मा का प्रभाव प्रकट होना, ये अंतरंग प्रभावना है। और जिन धर्म के प्रभावित होकर के जिन धर्म में लग जाना, ये जिन धर्म की प्रभावना, कितने जीव लगे, ये नियम की बात। बाह्य कारणों में माने बाह्य क्रियाओं में संतुष्ट मत हो जाओ, बाह्य साधनों में, बाह्य सुविधाओं में, तीन बातें, बाह्य सुविधाओं में, बाह्य साधनों में, बाह्य क्रियाओं में संतुष्ट मत हो जाओ। ये तो एक हमारे लिए अवसर है, बाह्य प्रशंसा में, समझ में आ रहा, ये तो हमारे लिए एक अवसर है। गाड़ी जाने को तैयार, दो मिनट रुकी थी और वे दे रही थी, वाह ये तो बढ़िया गाड़ी बन गई, नई गाड़ी आ गई, ओह दो मंजिल गाड़ी आ गई, अरे बैठ, नहीं तो गाड़ी जे गई। बता उस गाड़ी की शोभा को देखेगा कि गाड़ी क्या करेगा, बता भाई। हर जगह यही बात है, पैकिंग देखते रहोगे कि खोल करके मुंह में डालोगे, जो तो बता। बाह्य सुविधाओं में, बाह्य क्रियाओं में, बाह्य ज्ञान में, बाह्य प्रशंसा में है, अटको मत, संतुष्ट मत हो जाओ। ये अध्रुव है, विनाशीक है, जरा सी देर में खत्म हो जाती है। महलों में रहने वाले जंगल में एकदम आज्ञा मिल गई कि अंजना को जंगल में छोड़ के आओ, सीता जी को जंगल में छोड़ के आओ। महलों में रहने वाली दास दासियों में घिरे रहने वाली और कहां ऐसी बैठी है, चंदन माला अनंतमती कैसे आराम से झूला झूल रही थी और कहां जाकर के अगर ये बातें सच्ची लगती हैं तो भाई को सोचना चाहिए, और अगर वैसी ही लगती हैं तो फिर सुनना भी बंद कर दो, बेकार है, कोई मतलब ही नहीं। अगर ये लगता है ये सब झूठी हैं तो फिर बेकार, फिर कहां को बैठे, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे। और अगर ये लगती हैं ये बातें सच्ची तो अब आप लाड़ चाह के लाड़ प्यार को बात्सल्य का जो अनादर करते बात्सल्य नहीं मिलता, फिर ये तुम्हारे कर्णन योग के स्वाध्याय के फल से विद्वानों ने सरल सरल प्रश्नोत्तर भी लिख दिए। टेकचंद जी का सुदस्त रंगणी पढ़ो,
स्त्री विधवा कैसे होती है कि पति का अनादर करती है, विधुर क्यों होता है कि पत्नी का अनादर करता है, बच्चे माँ बाप बिना माँ बाप के क्यों होते हैं कि माता पिता का अनादर करते हैं, अनेक लोग संतान रहित क्यों होते हैं कि संतान का अनादर करते हैं, उनके प्रति कर्तव्य का पालन नहीं करते, इस ये भी सारे के सारे लिखे हैं उसमें। अपने मन से उठोगे तो आप हैं यहां बैठ के सोओगे, नीरज सुन रहे हो, अपने मन से उठोगे तो यहां बैठ के सोओगे। शरीर तो अपना काम करेगा, 6 घंटे नींद चाहिए उसको, अब तुम रात को देर लो जन का करते रहोगे और सवेरे उठ करके अपने जल्दी 3 बजे से पाठ करने लगोगे तो फिर स्वाध्याय में नींद तो आएगी। इधर उधर कचौड़ी पकौड़ी खा के आओगे, भोजन के समय भूख नहीं लगेगी, न्याय की बात है। प्रकृति में अन्याय नहीं होता, एक एक परिणाम का फल भोगना पड़ता है, इसलिए गुरुजनों का कभी अनादर मत करना, गुरुजनों की शिक्षा का अनादर मत करना, अपने नियमों में शिथिलाचार मत करना, नियमों में शिथिलाचार नहीं करना, का हो तो मंदिर जाएगा, का हो तो जब जाओगे तब बताएंगे। हैं एक आदमी बोला है इलाज करने आया, सिर में भी दर्द था, पेट में भी तकलीफ थी, बुखार चढ़ा था, डॉक्टर ने कहा ले ये गोली खाना, बोले इतनी तकलीफ है इतनी एक गोली से का हो जाती है। अरे भाई तू खाएगा तब तो बस तू स्वयं बताएगा क्या हुआ, ये गोली ऐसी है इन सारे लक्षणों का मूल खत्म कर देने वाली है, और जब मूल का अभाव हो जाएगा तो ये तो सब अपने आप खत्म हो जाने। भैया मंदिर जाओ करो, मंदिर जाओगे तो कस सोचोगे समझोगे सुनोगे पढ़ोगे, स्वाध्याय में बैठो करो, स्वाध्याय में बैठोगे तो सोचोगे समझोगे ये काम आगे बढ़ते जाओगे। बच्ची का सबसे पहले स्कूल में जैसे एडमिशन करते हैं ऐसे ये मंदिर का एडमिशन है, ये विचारना समझना, बाह्य कारणों के बाह्य साधनों के बाह्य सुविधाओं के बाह्य क्रियाओं के बाह्य प्रशंसा के बाह्य ज्ञान के भरोसे मत रह जाना, संतुष्ट मत हो जाना, बहुत बढ़िया। प्रशंसनीय शुद्धात्मा को समझने के लिए इन सब का सदुपयोग कर लेना, प्रशंसनीय रत्नत्रय की प्राप्ति के लिए इन सब का उपयोग कर लेना, सदुपयोग करना। ओम नमः।